नमस्कार दोस्तों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में है पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य मतलब जीत का शहर, मध्यकालीन भारत का पहला हिंदू राज्य। और ये हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीएससी के लिए और संघ लोक सेवा आयोग पीएससी के लिए, दोनों के लिए समान महत्वपूर्ण है। तो आज हम शुरुआत करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। बोर्ड पर जो डाटा लिखा हुआ है आज, उससे समझ के देख सकते हैं कि आज हमारी तैयारी किस लेवल की होना है। तो हमने एक एक बारीक से बारीक चीज को आज समझ लेना है कि किसी भी प्रकार का एग्जाम हो और हमारा कोई भी क्वेश्चन उससे छूटे नहीं। और दोस्तों, यदि हमारे वीडियो को सार्थक बनाना है, हमारी मेहनत को सार्थक बनाना है, तो साथ में कॉपी और पेन रखना है और जो बात मैं बोल रहा हूं उसे नोट करते हुए चलना है। तो हम शुरुआत करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर साम्राज्य मैप के ऊपर एक दृष्टि डाले हम तो यह दक्षिण भारत में देखेंगे तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, भीमा नदी और दक्षिण में है विजयनगर साम्राज्य। और यहीं पर है कृष्णा गोदावरी का दोआब क्षेत्र। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का उपजाऊ भाग, जो कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसी दोआब पर कब्जा करने के लिए दो शक्तियां आपस में संघर्षरत है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। आज का जो हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य और हम अगले वीडियो में देखेंगे बहमनी साम्राज्य। तो दोनों साम्राज्यों की जो स्थापना हुई है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की, दोनों राज्यों की स्थापना हुई है MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक सन के सुल्तान के नाम से जो जाना जाता है, उसी के समय में जो है ये दोनों जो राज्य है वो स्वतंत्र हुए थे। विजयनगर साम्राज्य, इसमें इनका जो शासन काल है 1336 से 1565 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। और इसमें चार वंश रहे हैं, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और आरविलु वंश। विजयनगर में चार वंश, संगम, सुलु, तुलु और आरविलु। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं भुक्का प्रथम के द्वारा की गई थी। सुलु वंश की स्थापना नरसिंह द्वारा की गई थी। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह द्वारा की गई थी और अरविडु वंश की स्थापना तिरुमल द्वारा की गई थी। ये एक ब्रीफ जानकारी हमने दे दी है और इसके बाद में एक एक वंश के बारे में हम अब डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक बार पुनः स्वागत, सार्थक पहल बदलाव हमसे है में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई है हरिहर और बुक्का प्रथम द्वारा 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की गई है। हम आपको बता दें कि हरिहर एवं बुक्का प्रथम जो थे काकतीय वंश के अंतर्गत एक सामंत हुआ करते थे और काकतीय वंश की राजधानी हुआ करती थी कांपिल। 1328 में मोहम्मद बिन तुगलक ने कांपिल्य को जीत कर हरिहर और बुक्का दोनों को बंदी बना लिया गया और उन्हें दिल्ली ले गया। दिल्ली ले जाकर उनके ऊपर शर्त रखी गई कि आपको मुस्लिम धर्म कबूल करना है। मुक्त होने पर उन्होंने माधव विद्यारण्य से पुनः हिंदू धर्म ग्रहण किया। माधव विद्यारण्य उस समय के धर्मशास्त्री थे और उन्होंने जो हरिहर और बुक्का है उन्होंने माधव विद्यारण्य के माध्यम से पुनः हिंदू धर्म कबूल कर लिया। और 1336 ईस्वी में उन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। एकदम बात क्लियर हो गई कि संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का प्रथम के द्वारा की गई थी। संगम उनके पिताजी का नाम था और पिताजी के नाम के आधार पर ही उन्होंने संगम वंश की स्थापना की।
अब संगम मंच में हम देखेंगे कितने शासक बने हैं और उनके काल की महत्वपूर्ण घटना कौन कौन सी थी। चूंकि हम पूरी बातें एक साथ नोट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं बातों के ऊपर हमें चर्चा करना है। तो इसमें जो पहला शासक बना है हरिहर प्रथम, और इसका शासन काल है 1336 से 1356 ईस्वी तक। राजधानी इनकी अनेकोंडा, और 1346 ईस्वी में होलसेल राज्य पर विजय प्राप्त की थी। होलसेल राज्य जिसे आज हलेबिट के नाम से जाना जाता है, इसके ऊपर 1346 ईस्वी में हरिहर प्रथम द्वारा विजय प्राप्त की थी। रायचूर दोआब को लेकर अलाउद्दीन बहमन शाह, हमने पहले भी बताया कि दो राज्य विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, इन दोनों के बीच में रायचूर दोआब को लेकर संघर्ष की एक लंबी कहानी चलेगी। और ये संघर्ष शुरू हुआ है कब? हरिहर प्रथम के समय में। और रायचूर दोआब को लेकर अलाउद्दीन बहमन शाह से 1356 ईस्वी में संघर्ष शुरू हुआ। अब हरिहर प्रथम के मृत्यु के पश्चात जो संगम वंश का द्वितीय शासक है बुक्का प्रथम, बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और जब ये शासक बने तो उन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन बनेगा कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि के साथ में कौन शासक बनेगा, तो वो है बुक्का प्रथम, जो कि संगम वंश का शासक था। और देखो इन्होंने चीन में अपना राजदूत भेजा था, अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इन्होंने चीन में अपना राजदूत भेजा। और इनका जो पुत्र था कंपन, उसे मदुरा विजय हेतु भेजा था। दो बातें हमने पढ़ी, एक तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, चीन में अपना राजदूत भेजा, साथ में पुत्र कंपन को मदुरा विजय हेतु भेजा था। और इनके समय में भी बहमनी शासक से संघर्ष हुआ, और उस समय बहमनी शासक था मोहम्मद शाह प्रथम, बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम। और मुद्गल के किले को लेकर संघर्ष हुआ, किस किले को लेकर? मुद्गल के किले को लेकर संघर्ष हुआ। और प्रथम बार भारत में बारूद का प्रयोग हुआ था। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में किस युद्ध में बारूद का सबसे पहली बार प्रयोग हुआ था, तो वो है मुद्गल के किले पर जो अधिकार को लेकर जो संघर्ष हुआ था बुक्का प्रथम और मोहम्मद शाह प्रथम के बीच में। मेरे ख्याल से बात एकदम समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में संगम वंश का तृतीय शासक हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय 1377 ईस्वी से 1406 ईस्वी तक शासन किया। और ये प्रथम शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। संगम वंश का प्रथम शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। महाराजाधिराज पहले महाराज की उपाधि धारण करते थे, महाराज की जो उपाधि होती है ये सामंत धारण करते थे, और महाराजाधिराज की उपाधि धारण वो सम्राट करते थे जो अपने आप को संप्रभु घोषित कर लेते थे, सभी राज्यों से उनका कोई अधिकार नहीं होता था, मतलब किसी के दबाव में भी वो नहीं होते थे। तो क्वेश्चन बनेगा कि संगम वंश के किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी, तो सीधी सी बात है किसके द्वारा? हरिहर द्वितीय के द्वारा। और माधव विद्यारण्य के बारे में हमने पढ़ा था कि माधव विद्यारण्य के माध्यम से ही हरिहर और बुक्का जिन्होंने एमबीटी के दबाव में मुस्लिम धर्म कबूल किया था, पुनः इन्होंने हिंदू धर्म कबूल करके, हिंदू धर्म ग्रहण करके इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। तो उन्हीं के भाई सायन, नाम क्या बताया मैंने, सायन को माधव विद्यारण्य के भाई, और इनको जो है हरिहर द्वितीय के द्वारा अपना मुख्यमंत्री बनाया गया। एक इरुगाथा नामक व्यक्ति को इन्होंने अपना सेनापति बनाया, इरुगाथा को सेनापति बनाया, जो कि एक साहित्यकार था, इन्होंने रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी। और ये जो हरिहर द्वितीय है
शिव विरूपाक्ष, शिव का एक रूप है विरूपाक्ष, और उसका ये उपासक था। क्वेश्चन बनता है हरिहर विजय किसका उपासक? शिव विरूपाक्ष का उपासक। क्लियर होगी बात? हमने तीन शासक पढ़े, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, और अब चौथे शासक के रूप में हम बात करेंगे देवराय प्रथम। देवराय प्रथम जिसने 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक जिसके द्वारा शासन किया गया। और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ जहां उनका बहमनी साम्राज्य से संघर्ष चल रहा है जो कि मुस्लिम साम्राज्य है, और विजयनगर साम्राज्य जो कि हिंदू साम्राज्य है, इसके बावजूद इन्होंने 10,000 मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया था। यहाँ क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस संगम वंश के शासक ने मुसलमानों को सेना में भर्ती किया था? तो किसने? देवराय प्रथम द्वारा 10,000 मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया था। और एक क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण बनते हैं इस टॉपिक से, विजयनगर साम्राज्य से, किस शासक के समय में कौन सा विदेशी यात्री उनके यहाँ भ्रमण पर आया था? तो हमने एक सूची भी बनाई है जो हम बाद में बताएंगे। अभी देखते हैं कि आप देवराय द्वितीय के समय में निकोलो कोंटी नामक इटालियन व्यक्ति जो है 1420 ईस्वी में उसके दरबार में आया था। कौन? निकोलो कोंटी। कहाँ का रहने वाला? इटली का रहने वाला। और कब आया ये? 1420 ईस्वी में। पॉइंट भी नोटेड एकदम कि निकोलो कोंटी किसके शासन काल में आया था? देवराय प्रथम के काल में आया था। कब आया था? 1420 ईस्वी में आया था। देवराय प्रथम का एक दरबारी था जिसका नाम है श्रीनाथ। दरबारी श्रीनाथ था जिसके द्वारा हर विलास की रचना की गई। ये भी क्वेश्चन आता है श्रीनाथ किसके दरबार में थे? किसके दरबार में? देवराय प्रथम के दरबार में थे, और उनके द्वारा हर विलास नामक नाटक की रचना की गई है। तुंगभद्रा नदी पर इन्होंने हरिंद्रा बांध बनाया था। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनाया था? तो देवराय प्रथम के द्वारा बनाया गया था। और इनका भी विवाद हुआ बहमनी साम्राज्य से, और बहमनी साम्राज्य के शासक थे उस समय फिरोज शाह बहमन से इनका वारंगल का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन बनेगा तो वारंगल का युद्ध तो देवराय प्रथम और फिरोज शाह बहमनी के बीच में हुआ था। और इसके बाद में देवराय द्वितीय, हर बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, यूजीसी नेट से हो या संविदा शाला शिक्षक वर्ग एक इतिहास से संबंधित पेपर हो, इससे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गज बैठकर किसकी उपाधि थी? हाथियों का शिकारी किसे कहा जाता है? तो हाथियों का शिकारी किसे कहा जाता है? देवराय द्वितीय को कहा जाता है। तो देवराय द्वितीय संगम वंश का शासक जिसने 1422 से 1446 ईस्वी तक शासन किया, और इसकी उपाधियां थी इमादी देवराय, प्रौढ़ देवराय, गज बैठकर का अर्थ अभी बताया मैंने, हाथियों का शिकारी। अब जहां हमने पढ़ा था कि देवराय प्रथम के समय कौन आया था? निकोलो कोंटी आया था। कहां से आया था? इटली से आया था। कब आया था? 1420 ईस्वी में आया था। इसी प्रकार देवराय द्वितीय के समय में कौन आया था? अब्दुल रज्जाक आया था। कहां से आया था? ईरान से आया था। कौन था ये? फारसी नागरिक था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? तो बिना कंफ्यूज हुए हमें उत्तर देना पड़ेगा, देवराय द्वितीय के समय में आया था, और पहला शासक जिसने श्रीलंका पर नौसेना भेजी थी। पहला शासक, संगम वंश का पहला शासक जिसने श्रीलंका पर नौसेना भेजी थी। इससे पहले जब हम चोल साम्राज्य पढ़ रहे थे तब देखा था कि श्रीलंका पर अधिकार किसने किया था? तो राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं विरूपाक्ष द्वितीय, देवराय द्वितीय का उत्तराधिकारी होगा विरूपाक्ष द्वितीय, और इसका शासन काल 1446 ईस्वी में, और अंतिम शासक संगम वंश का पहला शासक हरिहर प्रथम, और अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। और यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है मैंने, प्रथम बला प्रहार, क्योंकि विरूपाक्ष का जो सेनापति है नरसिंह सुलूह, वो विरूपाक्ष की हत्या करके उसे अपदस्थ करके जो है सुलूह
वंश की स्थापना करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, प्रथम बला प्रहार। क्वेश्चन आएगा प्रथम बला प्रहार से क्या तात्पर्य है, तो संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को अपदस्थ कर नरसिंह द्वारा सुलु वंश की स्थापना की गई, इसे प्रथम बला प्रहार कहा जाता है। सुलु वंश का शासन काल बहुत ही कम समय 1446 ईस्वी से 1505 ईस्वी, और इसका संस्थापक है नरसिंह सुलु, और 6 वर्ष का अल्प शासन काल, और इसका 2 पुत्र थे, उसमें से एक था इमादी नरसिंह, एक पुत्र का नाम इमादी नरसिंह, क्योंकि ये अल्पायु है और अल्पायु होने के कारण नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह को उसने उसका संरक्षक नियुक्त किया था। क्या बताया मैंने, नरसिंह सुलु का पुत्र इमादी नरसिंह अल्पायु था, और अल्पायु होने के कारण नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह को उसने उसका संरक्षक नियुक्त किया था। लेकिन जिस तरीके से उसने प्रथम बला प्रहार करके सत्ता प्राप्त की थी, दूसरा बला प्रहार के माध्यम से उस वंश की सत्ता चली गई। कैसे, वीर नरसिंह सुलु ने 1505 ईस्वी में इमादी नरसिंह की हत्या कर सुलु वंश की स्थापना कर दी। बात एकदम क्लियर हो गई, सुलु वंश का बहुत ही अल्प शासन काल 1446 ईस्वी से 1505 ईस्वी, इसमें 2 शासक हैं, एक संस्थापक नरसिंह सुलु और दूसरा है इमादी नरसिंह। अब हम तीसरा वंश जो सबसे महत्वपूर्ण वंश है और वो है तुलु वंश, इससे संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो है कृष्णदेव राय के विषय में कि कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था, दूसरा कि उस हजारा मंदिर का निर्माण किसने किया, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने किया, शतरंज के खिलाड़ी कौन से शासक थे, तो वो है कृष्णदेव राय। उसके साथ एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे, तो अष्ट दिग्गज जो है वो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। तो हम तुलु वंश के बारे में पढ़ेंगे विवेक में, 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक इनका शासन काल है। सॉरी, प्रथम शासक जो है वीर नरसिंह तुलु, ये वीर नरसिंह तुलु वही है जो नरसा नायक के पुत्र थे और जिन्होंने इमादी नरसिंह राव की हत्या कर 1505 ईस्वी में तुलु वंश की स्थापना की, और उसके बाद में कृष्णदेव राय जो कि वीर नरसिंह का छोटा भाई था, उसने शासक बनते ही यवन राज स्थापनाचार्य अभिनव भोज आंध्र भोज आंध्र पितामह जैसी उपाधियां धारण की। बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, यह है आंध्र भोज और एक होते हैं आंध्र वृत्ति, तो जहां आंध्र भोज जो है कृष्णदेव राय को माना गया है, आंध्र वृत्ति जो है सातवाहन वंश के शासकों को कहा जाता है। बात एकदम क्लियर बताई मैंने, आंध्र भोज कृष्णदेव राय जो कि तुलु वंश का शासक है, और आंध्र वृत्त जो है वो सातवाहन वंश के शासकों को कहा जाता था। क्लियर हो गई, कृष्णदेव राय तुलु वंश का शासक, यवन राज स्थापनाचार्य अभिनव भोज आंध्र भोज आंध्र पितामह जैसे उसकी उपाधियां थी, और 52 देखो ये घटना बताती है 1509 से 1530, और बाबर का भारत पर आक्रमण हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध जिसे कहते हैं वो है 1526, बाबर की आत्मकथा है तुझके बाबरी, उसमें जो उसने बोला कि भारत में उस समय कौन कौन से शासक थे, तो उन्होंने बोला कि दक्षिण में एक शासक है कृष्णदेव राय, और वो उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक है। तो क्या तुझु के बाबरी में बाबर द्वारा बोला गया है कि कृष्णदेव राय उस समय का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र देव से उसने युद्ध किया और उससे तेलंगाना प्राप्त किया। कृष्णदेव राय की पहली विजय जो है उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र देव से उसने तेलंगाना प्राप्त किया। बीजापुर के इस्लाम शाह को पराजित किया उसने, पुर्तगालियों से गोवा प्राप्त किया। क्लियर हो गई,
तीन उसकी विजय पढ़ी अपन ने, उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव से तेलंगाना, बीजापुर के इस्लाम शाह को पराजित कर बीजापुर प्राप्त किया और पुर्तगालियों से उसने गोवा को प्राप्त किया था। दो व्यक्ति उसके दरबार में आए थे, वो पुर्तगाल से आए थे, जहां हमने पढ़ा निकोलो कुंटी देवराय प्रथम के समय में, अब्दुल रचा देवराय द्वितीय के समय में, तो कृष्ण देवराय के समय में आए हैं डियोगो पायस और बारबोसा। डियोगो पायस और बारबोसा, डियोगो पायस जहां 1515 में आए थे, बारबोसा 1516 में आए थे, और दोनों कहां से आए हैं? पुर्तगाल से आए हैं। कहां से आए थे, किसके समय में आए थे, किस देश से आए थे, ये बातें हमें पता होना चाहिए। तो डोमिगो पायस व बारबोसा दोनों किसके समय में? कृष्ण देव राय के समय में आए थे। कहां से आए थे? पुर्तगाल से आए थे। ये बड़ा विद्वान शासक माना जाता है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, तो पूरे विजयनगर साम्राज्य की यदि भाषा देखी जाए तो भाषा थी तेलुगु। कौन सी भाषा थी? तेलुगु। और इनके समय इन्होंने जो है एक ग्रंथ लिखा है अमुक्त माल्य। कृष्णदेव राय ने स्वयं एक ग्रंथ लिखा है अमुक्त माल्य। किस भाषा में लिखा है? तेलुगु भाषा में लिखा है। वही संस्कृत में भी इसकी रचनाएं आई है, जामवंती कल्याणम उषा परिणय। देखो तीन रचनाएं पढ़ी हमने कृष्णदेव राय की, तो पहली है अमुक्त माल्य जो कि तेलुगु भाषा में है, दो रचनाएं जो है संस्कृत में, जामवंती कल्याणम और उषा परिणय। इसके शासन काल में अष्ट दिग्गज, बार बार पूछा जाता है ये अष्ट दिग्गज किसके समय में था? कृष्णदेव राय के समय में था। क्या ये अष्ट दिग्गज? तो आठ तेलुगु कवियों का एक संघ था और उसमें महत्वपूर्ण थे तेनाली राम। कौन थे? तेनाली राम। एक थे पेंडाना। पेंडाना बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पेंडाना किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में। ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ विजय की, ये नहीं कि सिर्फ इन्होंने साहित्य की रचना की, बल्कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी कृष्णदेव राय का महत्वपूर्ण योगदान। इन्होंने माता नागला देवी के नाम पर नागलपुर नगर बसाया। इनकी माता का नाम नागला देवी था, तो उनके नाम पर इन्होंने नागलपुर शहर बसाया। साथ ही हजारा मंदिर, हम्पी, हम्पी जो है हम्पी का हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर भी इन्हीं के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा हम्पी में। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य का ही एक नाम है। विजयनगर का नाम क्या मिलता है? हम्पी। और वहां पे हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया। साथ ही साथ शतरंज के भी अच्छे खिलाड़ी थे कृष्णदेव राय, मतलब सर्व गुण संपन्न। ये विजय अभियान इनके, रचनाएं इनके द्वारा की गई, साथ ही निर्माण कार्य इनके द्वारा किए गए और एक अच्छे खिलाड़ी भी थे। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा? कृष्णदेव राय के समय में 1509 से 1530 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। वीर नरसिंह के छोटे भाई थे, यवन राज स्थापनाचार्य, अभिनव भोज, आंध्र भोज, आंध्र पितामह जैसी उपाधियां धारण की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी में इन्हें सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव से तेलंगाना प्राप्त किया, बीजापुर के इस्लाम शाह से बीजापुर प्राप्त किया, पुर्तगालियों से इन्होंने गोवा प्राप्त किया। इसके समय में डोमिगो पायस और बारबोसा पुर्तगाली यात्री इनके दरबार में आए थे। तेलुगु में इन्होंने अमुक्त माल्य, संस्कृत में जामवंती कल्याणम उषा परिणय जैसी रचनाएं की। इनके दरबार में आठ तेलुगु कवि रहते थे जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। निर्माण कार्य में इन्होंने माता नागला देवी के नाम से नागलपुर नहर नगर, हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, शतरंज के खिलाड़ी भी ये थे। इनके जो उत्तराधिकारी हुए अच्युत देव राय हुए, जो इनके चचेरे भाई थे, 1530 से 1542 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा। महत्वपूर्ण घटना में नुनीज एक नाम मिलता है, नुनीज ये भी पुर्तगाल से आए थे और इनके दरबार में आए थे। क्लियर हो गया? अब इसी वंश का एक शासक है सदाशिव राय, और इसके समय की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना, वास्तविकता यह है
कि सदाशिव राय जो है वो अच्युत देव के पुत्र थे, लेकिन अच्युत देव राय का एक चचेरा भाई हुआ करता था और वो कृष्णदेव राय का पुत्र जो था अल्प वयस्क था। कृष्णदेव राय का पुत्र अल्प वयस्क था, इसीलिए जो राम राय था ये कृष्णदेव राय का बहनोई हुआ करता था। बहन दामाद, बहन का पति राम राय कृष्णदेव राय का दामाद, बहन दामाद बहन का पति जो कि आर्विडु वंश का था, वो चाहता था कि उसकी बहन का पुत्र जो है वो शासक बने, लेकिन वो अल्पायु था इसलिए कृष्णदेव राय के चचेरे भाई अच्युत देव राय को वहां का शासक बना दिया था। लेकिन राम राय जो है ये कदापि पसंद नहीं कर रहा था, तो इसलिए अच्युत देव राय को अपदस्थ कर सदाशिव राय को जो है वहां का शासक बनाया गया। और सदाशिव राय शासक था लेकिन वास्तविक सत्ता जो थी राम राय के पास में थी, जो उसका मंत्री हुआ करता था। क्वेश्चन बनता है कि सदाशिव राय किस वंश का शासक था, तो तुलु वंश का था। वास्तविक सत्ता किसके पास में थी, राम राय के पास में थी। राम राय कौन था, तो सदाशिव राय का मंत्री हुआ करता था और ये आर्विडु वंश का था। किस वंश का, आर्विडु वंश का। अब उस समय ये जो राम राय हुआ करता था थोड़ी सी साजिश रचता था। साजिश कैसी, कि बहमनी साम्राज्य का विभाजन हो चुका था और वो अलग अलग पांच भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में, पांच। मैंने यहां तीन चार लिखे हुए हैं, पांच कौन से थे अभी बताऊंगा। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। कितने भागों में बटा हुआ था, पांच भागों में बटा हुआ था अहमदनगर साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य पांच भागों में बटा हुआ था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। लेकिन राम राय क्या करता था, अहमदनगर को साथ लेके बीजापुर और गोलकुंडा से लड़ लेता, गोलकुंडा को साथ में लेके बीजापुर और अहमदनगर से लड़ लेता और बार बार युद्ध का माहौल बनाया हुआ था। और ऐसे में क्या हुआ, अब चार राज्य अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये चारों ने एक संघ बनाया। क्वेश्चन बनता है कि इसमें से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं था, तो वो था बरार। कौन शामिल नहीं था, बरार। और चारों ने एक संघ बनाया, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, और चारों के संघ ने विजयनगर साम्राज्य के साथ में युद्ध किया। युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 और युद्ध का नाम है बन्नी हट्टी का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या तालीकूटा का युद्ध। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यही युद्ध जो है विजयनगर के साम्राज्य के पतन का कारण बनता है। यदि सीधा सा क्वेश्चन बने तालीकूटा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था, तो तालीकूटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था। विजय किसकी हुई, बहमनी साम्राज्य की हुई। पराजय किसकी हुई, विजयनगर साम्राज्य की हुई। बहमनी राज्य की कौन कौन सी शक्तियां साथ में थी, तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर। किस राज्य ने तालीकोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया था, तो कौन सा है, बरार। कौन सा है, बरार। युद्ध के घातक परिणाम हुए, राम राय की युद्ध स्थल पर ही मृत्यु हुई गई और हुसैन निजाम शाह जो कि अहमदनगर का शासक था उसके द्वारा राम राय की हत्या युद्ध स्थल पर ही की गई। ये हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, यहाँ पे इतना खून खराबा किया, 15 से 30 दिन तक लगातार यहाँ पे खून खराबा हुआ और लूटमार हुई, पूरे विजयनगर साम्राज्य को तहस नहस कर दिया गया। पहला युद्ध जिसमें भारत में तोपों का प्रयोग हुआ था। देखो क्वेश्चन, भारत में मतलब भारतीय राज्यों ने किया था। हम पढ़ेंगे कि बाबर ने सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था भारत में,
लेकिन भारतीय राजाओं ने कब किया था? तालीकोटा के युद्ध में 1565 में। बाबर ने किया था 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में। लेकिन दोनों तरफ भारतीय पार्टियां थी, एक अहमदनगर वाली पार्टी जिसे हम बोल सकते हैं बहमनी साम्राज्य और दूसरी विजयनगर साम्राज्य। अब क्या हुआ कि युद्ध स्थल से जो है सदाशिव राय को ले जाया गया और बची बुची सेना के साथ में उन्होंने पुनः जो है अपने साम्राज्य को स्थापित करने की कोशिश की। और जो तिरुमल है, तिरुमल जो कि राम राय का भाई था, इसके द्वारा आरविडु वंश की स्थापना की गई। सी एक बार फिर से देखें, सदाशिव राय शासक था उसके समय में 1565 में, राक्षसी कंगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, बन्नीहट्टी का युद्ध। जो इनका मुख्यमंत्री था, मंत्री था राम राय, युद्ध स्थल पर मारा गया। लेकिन सदाशिव राय और राम राय का भाई जो है तिरुमल, ये दोनों युद्ध स्थल से निकल गए और जैसे तैसे बची कुची सत्ता को उन्होंने समेटा और दूसरी जगह उन्होंने पैनुकुंडा में राजधानी बनाई और वहां पे शासन करना शुरू कर दिया। 5 वर्ष तक सदाशिव राय ने वहां पर भी शासन किया, 1565 से 1570 तक। लेकिन जो तिरुमल है, जो आरविडु वंश का है, राम राय का भाई है, उसके द्वारा ये विचार किया गया कि मेरा भाई युद्ध स्थल पे मारा गया, शासक को मैं बचा के लाया हूं यहां पर, तो राज्य करने का अधिकार किसको है, सदाशिव राय को है या तिरुमल को है? तो उन्होंने 1570 ईस्वी में सदाशिव राय को अपदस्थ कर आरविडु वंश की स्थापना की। तो देखो, पहला संगम वंश, दूसरा सुलु वंश, तीसरा तुलु वंश और चौथा आरविडु वंश। तो आरविडु वंश की स्थापना 1570 में तिरुमल द्वारा की गई थी। क्लियर हो गया? उसके बाद में वेंकट द्वितीय शासन बना, वेंकट द्वितीय शासक बना जो आरविडु वंश का शासक था। लेकिन इनका साम्राज्य जो है बहुत ही सीमित हो गया था, छोटा सा साम्राज्य था। और वहां पर भी इन्होंने फिर राजधानी बदली और राजधानी पैनुकुंडा से बदल कर इन्होंने चंद्रगिरी कर दी। अब क्वेश्चन बनता है कि आरविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था रंग तृतीय, रंग तृतीय। और पूरे विजयनगर साम्राज्य पर अब धीरे धीरे शासन सत्ता पूर्ण रूप से कमजोर हो गई और वहां पर वाडियार वंश का शासन स्थापित हो गया, जिसे हम बाद में मैसूर वंश पढ़ेंगे। हैदर अली, टीपू सुल्तान, इन लोगों ने उस स्थानों पर शासन किया जहां कभी विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। तो आज के वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा, 4 वंशों ने वहां पर शासन किया, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, आरविडु वंश। उसमें महत्वपूर्ण शासकों में हमने देखा देवराय द्वितीय, जिसे इमादी देवराय, प्रौढ़ देवराय, गजबेटकर कहा गया। तो वही हमने तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय को पढ़ा, जिसे यवन राज, स्थापनाचार्य, अभिनव भूज, आंध्र भूज, आंध्र पितामह जैसी उपाधियां दी गई। अश्व दिग्गज उसके दरबार में हुआ करते थे, उसने विट्ठल स्वामी मंदिर, हजार स्वामी मंदिर जैसे मंदिर बनवाए। और इसी वंश के समय में 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। हमने एक सूची बनाई है, निकोलो कोंटी जो इटली का नागरिक था, देवराय प्रथम के दरबार में आया था, अब्दुल रज्जाक जो कि ईरानी ईरान से आया था, फारसी व्यक्ति था, देवराय द्वितीय के दरबार में आया था, नूनीज जो है पुर्तगाली व्यक्ति था, अच्युत देवराय के समय में आया था, पायस व बारबोसा जो पुर्तगाली थे और कृष्णदेव राय के समय में उनके विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो दोस्तों, आज हमने जो पढ़ा है विजयनगर साम्राज्य का पहला पार्ट, अगला पार्ट जो है कल हमारा वीडियो आएगा उसमें विजयनगर साम्राज्य की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपकी हर समस्या का समाधान
करेगा। यदि इसमें कुछ कमी रह जाती है तो दोस्तों कमेंट करना न भूले और मुझे उत्साहित करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। बाय।